English Diary presents most useful phrases of English with Urdu meaning. Number one is prior to, means before, pehle. Prior to means before, but it sounds more formal. People use prior to in business situations, in a courtroom, in college, schools, and so on. Prior to ka matlab hai pehle. और ये ज़्यादातर रस्मी गुफ्तगुओं में इस्तेमाल किया जाता है. लोग कारोबारी हालात में, कोर्ट रूम में, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं. प्रायर टू के बाद वर्ब भी आता है और नाउन भी आता है. अगर प्रायर टू के बाद आप वर्ब यूज़ करते हैं तो वर्ब की जेरंड फॉर्म यूज़ होगी, आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी. नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स टू गेट क्लियर कंसेप्ट. प्लीज़ कॉल टू कन्फर्म योर फ्लाइट डिटेल्स प्रायर टू डिपार्चर. डिपार्चर इज़ अ नाउन, तो प्रायर टू के बाद यहाँ डिपार्चर यूज़ हुआ है. बराए करम रवानगी से कबल अपनी परवाज़ की तफसीलात की तस्दीक के लिए कॉल करें. नंबर टू इज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रायर टू टेस्ट. बराए करम इम्तिहान से पहले इसको समझने की कोशिश करें. तो यहाँ प्रायर टू के बाद नाउन यूज़ हुआ है डिपार्चर और टेस्ट. तो जब आप नाउन यूज़ करेंगे तो सिंपली आपका जो भी सेंटेंस है, आप प्रेजेंट में बनाओ, पास्ट में बनाओ, फ्यूचर में बनाओ, प्रायर टू के बाद आपने नाउन यूज़ करना है. टेंस की इसमें कोई कैद नहीं है, आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये फ्रेज है प्रायर टू. नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स विद वर्ब. शी रॉट ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्रायर टू स्टार्टिंग मीटिंग. स्टार्ट वर्ब है और स्टार्ट की जेरंड फॉर्म यूज़ हुई है स्टार्टिंग, आईएनजी फॉर्म. मीटिंग शुरू करने से पहले उसने तमाम अहम नुकात लिख लिए. ही टॉक्ड विद ऑल स्टाफ्स प्रायर टू गिविंग प्रेजेंटेशन. प्रायर टू गिविंग, गिविंग आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है. प्रेजेंटेशन देने से पहले उन्होंने तमाम स्टाफ से, तमाम अमले से बातचीत कर ली. यहाँ वर्ब की जेरंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो प्रायर टू के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी. नंबर टू इज़ फॉर गुड. फॉर गुड मीन्स परमानेंटली, फॉर एवर, हमेशा के लिए. फॉर गुड इज़ एन idiomatic फ्रेज दैट इज़ यूज टू टेल दैट समथिंग इज़ परमानेंट और फॉर एवर. ये ऐसा जुमला में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ आप ऐसी बात कह रहे हो जो आप हमेशा के लिए, या आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो आप हमेशा करना चाहो या हमेशा ना करना चाहो. सो लुक एट द एग्जांपल्स. ही सेज़ ही इज़ गोइंग बैक टू पाकिस्तान फॉर गुड. वो कहता है कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहा है. दे हैव प्रॉमिस्ड टू स्पीक ट्रुथ फॉर गुड. उन्होंने हमेशा के लिए सच बोलने का वादा किया है. ही टुक एन ओथ टू ट्रीट पुअर फ्री फॉर गुड. उसने हलफ लिया है कि वो गरीबों को हमेशा मुफ्त इलाज फराहम करेगा. देखिए, फॉर गुड मीन्स अच्छाई के लिए, इसके ये मीनिंग मत लीजिएगा. ये फ्रेज़ है, idiomatic फ्रेज़ है, इसका मतलब है हमेशा के लिए. समटाइम हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. फॉर गुड का मतलब हम समझते हैं अच्छाई के लिए, लेकिन जब ये idiomatic फ्रेज़ बनेगा तो इसका मतलब होगा हमेशा, परमानेंट और फॉर एवर. नंबर थ्री इज़ वॉट इफ़. वॉट इफ़ सजेशन के लिए, प्रपोज़ल के लिए, किसी फ्यूचर बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आप किसी से किसी मामले में मशवरा लें, या आप कोई काम कर रहे हो, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि अगर मैं ये करूँगा तो कैसा रहेगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा. तो वॉट इफ़ आप बेसिकली मशवरा लेने के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, किसी अपकमिंग वर्क के लिए, फ्यूचर वर्क के लिए यूज़ करते हैं. हम मुस्तकबिल में होने वाले प्रोग्राम या काम के मशवरे के लिए क्या अगर मैं ऐसा करूं, इस तरह के फ्रेज इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ वॉट इफ फॉर आस्किंग एडवाइस और सजेशन फॉर फ्यूचर इवेंट्स और वर्क. लेट्स सी द एग्जांपल. वॉट इफ वी अरेंज इट फॉर 9 इंस्टेड ऑफ 10. अगर हम इसका बंदोबस्त 10 के बजाय 9 बजे कर लें तो. अब देखें, ये काम है जिसकी अरेंजमेंट्स हम चेंज कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग वॉट इफ तो आस्क अबाउट कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपका क्या ख्याल है कि ये ठीक रहेगा या नहीं. वॉट इफ़ वी पुट बेडरूम हियर. आपका क्या ख्याल है अगर हम यहाँ बेडरूम रख लें. अपना अपने रूम्स की सिलेक्शंस करते हुए हम मशवरा ले रहे हैं कि अगर बेडरूम इस रूम में कर लिया जाए तो कैसा रहेगा. वॉट इफ़ वी लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इट रेगुलरली. आपका क्या ख्याल है अगर हम इंग्लिश सीखें और रोज़ाना बोलें. तो वॉट इफ़ हम यूज़ करते हैं किसी ऐसे काम के मशवरे, सजेशन के लिए जो हम अपकमिंग टाइम में करने का सोच रहे हैं. नाउ द लास्ट वन फ्रेज इज़ इन नो टाइम. इन नो टाइम मीन्स वेरी क्विकली, बहुत जल्दी. इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास वक्त नहीं है. इन नो टाइम, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से,
मतलब अगर आपके पास कोई काम करने के लिए बहुत कम वक्त है या कोई भी काम बहुत जल्दी करते हो तो यू विल यूज़ इन नो टाइम. वी यूज़ इन नो टाइम व्हेन वी डू समथिंग क्विकली और इन शॉर्ट टाइम. जब हम कोई काम जल्दी या मुख्तसर वक्त में करते हैं तो हम कहते हैं इन नो टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल, योर कार विल बी रेडी इन नो टाइम. आपकी कार बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. अली फिनिश्ड हिज नूडल्स इन नो टाइम. अली ने अपने नूडल्स फौरी ख़त्म कर लिए. ही कम्प्लीटेड हिज स्कूल वर्क इन नो टाइम. उसने अपने स्कूल का काम बहुत जल्दी मुकम्मल कर लिया. तो इन नो टाइम मीन्स कोई भी काम आप जब बहुत जल्दी करो. इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास वक्त नहीं है. रिमेंबर, सो दीज आर सम फ्रेजेज एंड दीज आर वेरी यूजफुल फ्रेजेज. ट्राई टू लर्न दिस फ्रेजेज. कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. कीप स्टेइंग विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.